पीएम मोदी का एक आर्टिकल इस वक्त काफी चर्चा में है। कन्याकुमारी में 45 घंटे की साधना के बाद दिल्ली लौटते वक्त पीएम मोदी ने अपने अनुभवों में क्या क्या बातें बताई हैं, ये रिपोर्ट देखकर समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर एक नागरिक के लिए एक आर्टिकल के जरिए संदेश जारी किया है। इस लेख को पीएम मोदी ने उस वक्त लिखा जब वो कन्याकुमारी में 3 दिन की आध्यात्मिक यात्रा के बाद दिल्ली के लिए विमान में बैठे थे। हम आपको बता दें, पीएम मोदी 30 मई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए और वहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना में लीन हो गए, जहां पीएम मोदी 1 जून की शाम वापस दिल्ली लौटे और फिर कार्यक्रमों में जुट गए। कन्याकुमारी से दिल्ली लौटते वक्त पीएम मोदी ने ध्यान से जुड़े अनुभवों को लेकर एक लेख लिखा, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा है, कश्मीर से कन्याकुमारी ये हर देशवासी के अंतर्मन में रची बसी हमारी साझी पहचान है। ये वो शक्तिपीठ है जहां मां शक्ति ने कन्याकुमारी के रूप में अवतार लिया था। इस दक्षिणी छोर पर मां शक्ति ने उन भगवान शिव के लिए तपस्या और प्रतीक्षा की जो भारत के सबसे उत्तरी छोर के हिमालय पर विराज रहे थे। पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल में 24 के चुनाव को एक ऐसा यज्ञ बताया है जो देश के लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी ने आर्टिकल में लिखा है, वाकई 24 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने हैं। अमृतकाल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया। मां भारती की परिक्रमा करते हुए उस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। संत रविदास जी की तपोभूमि, हमारे गुरुओं की भूमि पंजाब में आखिरी सभा होने का सौभाग्य भी बहुत विशेष है। इसके बाद मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का अवसर मिला। उन शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों, रोड शो में देखे हुए अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। माताओं, बहनों, बेटियों के असीम प्रेम का वो ज्वार, उनका आशीर्वाद। पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल में 140 करोड़ देशवासियों को शक्तिपुंज की तरह माना है। उन्होंने लिखा है, नए भारत को ये स्वरूप हमें गर्व और गौरव से भर देता है, लेकिन साथ ही ये 140 करोड़ देशवासियों को उनके कर्तव्यों का एहसास भी करवाता है। अब एक भी पल गंवाए बिना हमें बड़े दायित्वों और बड़े लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने होंगे। हमें नए स्वप्न देखने हैं, 21वीं सदी भारत की होगी। पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल में इसको काफी अच्छी तरह से समझाया है। 21वीं सदी की दुनिया आज भारत की ओर बहुत आशाओं से देख रही है और वैश्विक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए हमें कई बदलाव भी करने होंगे। हमें रिफॉर्म को लेकर हमारी पारंपरिक सोच को भी बदलना होगा। भारत रिफॉर्म को केवल आर्थिक बदलावों तक सीमित नहीं रख सकता है, हमें जीवन के हर क्षेत्र में रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे रिफॉर्म 2047 के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप भी होने चाहिए। भारत की ताकत और दुनिया में लगातार बढ़ता भारत का कद पीएम मोदी के आर्टिकल में खास तरह से समझाया गया है। हमें हर पल इस बात पर गर्व होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें भारत भूमि में जन्म दिया है। ईश्वर ने हमें
भारत की सेवा और उसकी शिखर यात्रा में हमारी भूमिका निभाने के लिए चुना है। मैंने पिछले 10 वर्षों में भारत के सामर्थ्य को और ज्यादा बढ़ते देखा है और ज्यादा अनुभव किया है। जिस तरह हमने 20वीं सदी के चौथे पांचवें दशक को अपनी आजादी के लिए प्रयोग किया, उसी तरह 21वीं सदी के इन 25 वर्षों में हमें विकसित भारत की नींव रखनी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पीएम मोदी के विजन पर स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का साफ असर देखा जा सकता है। उन्होंने आर्टिकल में अंतिम पंक्तियों में लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कहा था कि हमें अगले 50 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करने होंगे। उनके इस आह्वान के ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। आज हमारे पास वैसा ही स्वर्णिम अवसर है। हम अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करें। हमारे ये प्रयास आने वाले पीढ़ियों और आने वाली शताब्दियों के लिए नए भारत के सुदृढ़ नींव बनकर अमर रहेंगे। मैं देश की ऊर्जा को देखकर ये कह सकता हूँ कि लक्ष्य अब दूर नहीं है। आइए तेज कदमों से चलें, मिलकर चलें, भारत को विकसित बनाएं।